मित्रों जय माता दी। मित्रों आज जनवरी गुरुवार का दिन है, ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आज का दिन वसंत पंचमी का दिन है और वसंत पंचमी का दिन काफी खास होता है। आज के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, पहला तो सर्वासे सिद्धि और दूसरा सिद्धि योग बन रहे हैं और इन दोनों संयोगों के कारण आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है। ऐसे में आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करना आपके लिए उचित रहेगा, आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी तथा आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे थे उनसे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। अगर आप खुद का व्यवसाय खुद का व्यापार करते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें सफलता मिल सकती है, आपका भाग्य मजबूत रहेगा, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। आप अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ या परिवार वालों के किसी सदस्य के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, वहाँ आपको सुख की प्राप्ति होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा, धर्म कर्म के कामों में आज के दिन आप हिस्सा ले सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको जमकर मेहनत करनी चाहिए और इससे आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी जरूर होने वाली है। आज के दिन आप अपने सुख सुविधाओं को बढ़ा सकोगे, दाम्पत्य जीवन में भी आपके काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे, आपको लव लाइफ में बेहतर हिसाब मिलने वाले हैं। आज के दिन आप गुस्सा न करें, आपको विशेष रूप से गुस्से पर संयम बरतनी चाहिए क्योंकि गुस्से के कारण आपकी बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है, अतः आप सावधान रहें। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप किसी नए व्यापार नए व्यवसाय या नए कार्यों को करने के लिए आज का दिन काफी शुभ माना गया है, ऐसे में आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे। आप अपने साथियों के साथ किसी नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम कर सकते हैं, आज के दिन आप लाभकारी योजनाओं को बनाने में काफी सफल रहेंगे। मित्रों कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आमदनी में बढ़ोतरी होंगे, नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कुछ दिनों से परिवार में चल रही किसी समस्या का हल निकल सकता है, छात्रों को आज कुछ नया और विशेष सीखने को मिलेगा। जो भी छात्र हैं वो सबसे पहले आज के दिन माँ शारदे माँ सरस्वती की पूजा उपासना करें, उन्हें उनके सामने आप स्मरण करके उनसे विनती करें बल बुद्धि विद्या और आपको विशेष प्रकार के विशिष्ट गुण प्रदान करें, आप उनसे प्रार्थना अवश्य करें। आज के दिन किसी कार्य की योजना बनाने में आप काफी सफल रहेंगे, मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे, आपको कार्यों में कुछ विलम्ब के बाद सफलताएं जरूर मिलेंगी, धन संबंधी मामलों में सतर्क रहना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी रहेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर धन खर्च करना चाहते हैं तो कौन से क्षेत्रों में धन खर्च करना या निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा सबसे पहले आप ये जरूर डिसाइड कर लें और किसी अवैध स्रोत के जरिए धन कमाने का प्रयास न करें। ऑफिस में आज आपका काम काफी बढ़ सकता है, आपके कामों की तारीफ होंगी, आमदनी में इजाफा होने के कोई बेहतर योग बनेंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख भरे पल आएंगे। आज ज्यादा काम होने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं और थोड़े चिड़चिड़े भी रह सकते हैं, आज किसी से अनबन भी हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहें और किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप जा सकते हैं। आज आपके विरोधी आपके कंपटीटर या फिर आपके साथ जो भी
कार्य करते हैं वे आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे, आप सोच विचार में डूबे रहेंगे। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आज काफी नीरस रहने वाला है। अगर आप विवाहित हैं और संतान सुख से वंचित हैं तो आज के दिन इस संदर्भ में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है और साहित्य के जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी पहचान बनेगी, धन प्राप्ति का रास्ता दिखाई देगा। आपके लिए कोई व्यक्ति मददगार साबित हो सकता है। संतानों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम काफी सफल रहने वाले हैं। आय का एक अतिरिक्त स्रोत स्थापित होगा। भूमि खरीद बिक्री में आर्थिक लाभ संभव है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खुद का नाम बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्यपूर्ण रहेगा। परिवार में शादी या जन्म से संबंधित कोई शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप आलस्य करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र में रुकावटें विघ्न पैदा हो सकती हैं। ऐसे में आप आलस्य न करें। कोई परेशानी चल रही है तो जल्द ही उसका हल निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। परीक्षा में अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकोगे। कार्य क्षेत्र में अटके हुए कार्य जल्द ही संपन्न होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी के चलते स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रियजनों से मिलने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के लिए आज का दिन शुभ है क्योंकि आज के दिन आपके विवाह का प्रस्ताव आ सकते हैं या फिर बात करें तो आपके जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है। आज के दिन आपको कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। आपका कोई अधूरा काम पूरा होगा। दूसरों की मदद करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। छात्रों को करियर में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और किसी समारोह में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होंगी जो आपके भविष्य के लिए काफी खास साबित होगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे सुझाव भी मिलेंगे। आप में से कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कुछ अचानक से आकस्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित कार्य सफल होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी कमीशन आदि से लेन देन करने वाले हैं तो आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। धन की आमदनी काफी अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे, इसलिए आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल अवश्य करें। कार्य सिद्धि के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इन दो शुभ योगों के कारण आप अपने जीवन में काफी तरक्कियां कर सकोगे। आपके ग्रह गोचर भी इस समय काफी सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में फोकस करें और नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज के दिन सफलता हाथ लगेगी। नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। कारोबार की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। परिवर्तन और पारिवारिक जीवन आपका यथावत रहने वाला है। आपका दिन लाभदायक और सुखद दोनों रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं न करें। जीवन में जिस मौके की तलाश में हैं वे आपके हाथ जल्द ही लगेंगी। आप अपने विचारों और सोच को सकारात्मक बनाए रखें। पारिवारिक मेल जोल के लिए काफी अच्छा दिन है। रिश्तों में यदि गहराई बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को व्यक्त करें। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज के जैसे मौके भविष्य में काफी कम आया करेंगे। ऐसे में आपको इन मौकों का जरूरत से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। आपको विशेष रूप से अगर आप किसी नए कार्य की शुभारंभ करना चाहते हैं और किसी नए प्रॉपर्टी पर निवेश करना चाहते हैं या फिर आप नया घर, नया वाहन, नया घर या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मतलब कहें कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं
उसके लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज का दिन बसंत पंचमी का है और ऐसे में सारे ग्रह नक्षत्र अभी शांत रहते हैं और इस समय आपको शुभ कार्यों की बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होती है। मित्रों, आज के दिन अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हो तो आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे और अगर आप नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में कहीं यात्रा करना रहे हैं या फिर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको वहां भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होने वाली है। आज के दिन आप वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयास करें, क्योंकि चोट चपेट की आशंका नजर आ रही है। आपको विशेष रूप से इन क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी निर्णायक साबित होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।